काम करेगा, लेकिन अगर लॉन्चिंग पैड में ही ठीक चुनाव से पहले इस तरह से बगावत होता है और सवाल उठता है कि पैसे लेकर टिकट दिया जा रहा है, जो नए लोग आ रहे हैं उनको पैसे लेकर टिकट दिया जा रहा है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा चिंता का विषय है। और आपको बता दें, सूरत से आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष राजू देओरा भी हमारे साथ जुड़े, साथ ही हमारे सहयोगी निर्णय कपूर भी जुड़ चुके। सबसे पहले निर्णय का रुख कर लेती हूँ। निर्णय, टिकट बेचने का आरोप आम आदमी पार्टी में दिल्ली से लेकर गुजरात तक में लग रहा है, और अब जो ये जानकारी निकल कर सामने आई है, जो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि पार्टी के झंडे, आम आदमी पार्टी के झंडे उनके अपने ही कार्यकर्ताओं ने जलाए हैं, इसका क्या प्रभाव चुनावों में पड़ने वाला है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल साफ है कि सूरत हो या गुजरात का कोई भी इलाका हो, लगातार ये जो है इल्ज़ाम लग रहे थे पैसे देकर के टिकट बेचने का। और कई लोग ये कह रहे थे कि जो आम आदमी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, जो दो दो तीन तीन साल से उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो इग्नोर किए जा रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सूरत वो जगह है जहां बताया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी खासा इम्पैक्ट डाल रही है। जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही थी, जो जानकारियां हमें मिल रही थी, उस हिसाब से ऐसा लग रहा था कि परसेंटेज वाइज भी आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा वोट शेयर भी वहां गेन कर सकती है। लेकिन आप देखिए, जो तस्वीर अब सामने आई है ये उसके बिल्कुल विपरीत है। एक साथ करीब 3500-4000 कार्यकर्ता एक जगह इकट्ठे होते हैं और वो भी पार्टी के विरोध में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लोकल कार्यकर्ता हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनावों पे इसका कितना विपरीत असर पड़ेगा। वापस हम आपसे और जानकारी लेंगे। इस वक्त सूरत से आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष राजू देओरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू जी, हमने तस्वीरों में देख रहे हैं, आप आम आदमी पार्टी के झंडे जला रहे हैं, उन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि कैसे पैसे के एवज में टिकट बेचे जा रहे हैं, तो इसका आधार क्या है? जी, मेरे पास आधार है। कई लोगों के पास इसने, ये आम आदमी पार्टी का जो गद्दार कार्य वो नेता है, उसने 35-40 लाख रुपए एक एक उम्मीदवार से लिया है। मेरे पास सबूत है। तो सबूत अगर आपके पास है, क्या सबूतों के साथ आपने अपने पार्टी के जो नेता है, चाहे वो या आपके जो चीफ है यानी कि अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया या किसी भी पार्टी के नेता से आपने बात की? नहीं सर, मेरे को किसी ने फोन भी नहीं किया और कोई मेरे को मिलने के लिए भी नहीं आ रहा है और किसी का फोन भी नहीं आ रहा है। लेकिन मैं सबूत के साथ मैं मीडिया के सामने आऊंगा और सबको मैं ओपन करूंगा। राजू देओरा जी, कितने टिकट्स बेचे गए हैं अभी तक आपके पास, क्या जानकारी है, और क्या आप आगे भी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे, और क्या आपसे भी पैसे मांगा गया था?